संत दादा गुरु नर्मदा परिक्रमा के दौरान देवास जिले के नर्मदा के नाभी कुंड पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं को आशीर्वचन सुनाया। दादा गुरु के आशीर्वचन कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग एवं क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन और पर्यावरण रक्षक 40 वर्षीय संत दादा गुरु अपने नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा तट पर नाभी कुंड पहुंचे, जहां उन्होंने घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं को मां नर्मदा पेड़ पौधों पर्वतों की महिमा से अवगत कराया। दादा गुरु के आशीर्वचन सुनने के लिए देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग एवं क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। दादा गुरु के मां नर्मदा की परिक्रमा केवल जल पर, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई संत, कोई महात्मा जीवित रह सकता है। दादाजी पर मां नर्मदा की असीम कृपा है और इसलिए लगातार 11 माह से अधिक का समय उन्हें केवल जल पर लेते हुए और इस परिक्रमा को करते हुए हो गया है। और उनके अंदर जो स्फूर्ति है, जो चैतन्यता है, वो वास्तव में बड़ी चमत्कारिक है। दादाजी के साथ बड़ी संख्या में परिक्रमावासी अलग अलग प्रांतों के चल रहे हैं। आज देवावर मां नर्मदा के नाभि स्थल पर दादाजी के प्रवचन हुए। कल सुबह यहाँ से यात्रा शिपानेर के रूप में स्थान करेंगे। निश्चित ही दादाजी का पावन सामने दिखाकर हर कोई अचंभित है, हर कोई आह्लादित है और सबको दादाजी की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। सब सौभाग्यशाली है इतने बड़े संत के दर्शन करने का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।